शहर के प्रभाग 34 के अंतर्गत आने वाले श्रीनाथ साई नगर में पिछले कई महीनों से बस्ती के नलों में काफी कम पानी आ रहा है और परिसर के कुछ कुओं में गडर का पानी लगा हुआ है। इस बारे में जल प्रदाय विभाग और स्वास्थ्य विभाग को बताया गया, लेकिन अभी भी समस्या हल नहीं हुई, जिसके चलते नागरिकों ने महापौर संदीप जोशी को ज्ञापन दिया। शहर के नागरिकों को आए दिन बिजली का बिल, पानी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसे में भी शहर के नागरिकों को बिल का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन शहर के अधिकांश बस्तियों में जलपूर्ति सही ढंग से नहीं की जाने की वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रभाग 34 के इस प्रभाग के नागरिकों को पीने का पानी सही जलापूर्ति नहीं की जाने से नहीं मिल रहा। अप्रैल 2020 के पहले इन नागरिकों ने नलों में भरपूर पीने का पानी आया था, लेकिन मनपा के जल प्रदाय विभाग के अड़ियल रवैये और उदासीन कामकाज के चलते इस प्रभाग के हजारों नागरिकों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं तो इस प्रभाग 34 के अंतर्गत आने वाले श्रीनाथ साई नगर के अधिकांश कुओं में गटर का गंदा मैला पानी आ रहा है, जिससे नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। जल प्रदाय विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। बारिश का मौसम है, ऐसे में प्रभाग 34 की समस्याएं जो कि तो बनी हुई है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये प्रभाग आता है, लेकिन अब तक के कोई भी विकास के कामकाज नहीं हुए है। और क्या समस्या, आइए जानते हैं इस शहर के नागरिकों से। सर, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की समस्या बरकरार है? श्रीनाथ साई नगर में ओंकार नगर के नाम से पानी की दो बड़ी टंकियां बनी हुई है, और वहाँ पे पानी की दो बड़ी टंकियां रहने के बावजूद भी साई नगर के लोग प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पानी आता, जिसको फोर्स नहीं है। अधिकारियों से संपर्क करने पे वो बोलते हैं कि 24/7 का हमारा टेस्टिंग चालू है, इसके कारण ये बात है, परंतु हमको फोर्स तो चाहिए। 15 मिनट पानी देते, 20 मिनट पानी देते। उसी प्रकार जो पानी का समय उन्होंने बताया नहीं कि पानी कब आएगा, कभी भी आता है पानी अपने मन से। यदि हमारे कॉक बंद है तो हमको पानी मिलता नहीं है, हमारा पानी हमारे छत तक चढ़ नहीं रहा है। इसके बारे में अधिकारियों से कई बार मिले हैं, परंतु अधिकारियों के उत्तर संतोषजनक नहीं हैं। इसके लिए आज आप जिस प्रकार से महापौर को मिले हो, क्या समस्या उनसे अवगत कराई? हमारे यहाँ पे कुएं का पानी जो है हम वो यूज़ करते थे, अभी वो यूज़ करने लायक नहीं है, गटर का पानी उसमें मिल गया है। जो पानी 24/4 बोल रहे ये लोग, जो पानी एक घंटा हमारे यहाँ पे आता था वो 2500 लीटर या 2000 लीटर कम से कम आता था, अभी 24/7 में वो 200 लीटर ही पानी आता है। बड़े मुश्किल से ऊपर पानी चढ़ाने की व्यवस्था हमारी बंद हो गई है, कुएं क्योंकि गटर का पानी मिक्स हो गया उसमें, वो यूज़ नहीं कर रहे हम। अब आप क्या चाहते? हमको एक ही घंटा पानी होना, लेकिन जो पहले जमाने पानी आ रहा था वैसे हिसाब से हमको पानी चाहिए। गटर लहंगा क्या है? कुएं में गटर लहंगा पानी मिल गया है, इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हम। और हमारे ही पीयू लैंड पे, पब्लिक यूटिलिटी लैंड पे हमने टाकी प्रस्तावित दिए है, एनआईटी को हमने वो जगह दी है, तो भी हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। इसके बड़ी समस्या कौन सी है? बहुत बड़ी समस्या होगी वो हमारी। तो इस समय में पार्षद वहाँ के मानकर हमारे साथ में, आप पार्षद को क्या कहना चाहोगे? मेरे प्रभाग में एक महीना हो गया है, एक महीने से लोगों को इतनी तकलीफ हो रही पानी की। अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारियों का कहना है कि 24/7 की हम योजना चला रहे, ट्रायल चालू है। तो ट्रायल कितने दिन चलेंगी? यहाँ लोगों को 15 मिनट बराबर पानी नहीं मिल रहा। तो हमारा निवेदन लेके अब अधिकारियों से हम परेशान हो गए, अधिकारियों से समाधानकारक उत्तर नहीं मिल रहा। महापौर का क्या कहना है? तो हम महापौर जी से निवेदन करने आए, निवेदन देने आए सब लोग, कि कम से कम अभी हमारा जो भी समस्या है वो महापौर जी सुलझाएंगे, हमको विश्वास है। ऐसा इनका विश्वास है कि महापौर जल्द से जल्द इन्होंने जो ज्ञापन दिया वो सुलझाने का प्रयास करेंगे। एक बात तो तय है कि आए दिन जिस प्रकार से प्रभाग की जो समस्या जो बनी हुई है उसके चलते शहर के नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदा मैला पानी उनके कुएं में लग चुका है। ईश्वर प्रशासन ध्यान दे, पदाधिकारी ध्यान दे और शहर के नागरिकों को उनकी मूलभूत सुविधा दे, यही मांग शहर के नागरिक कर रहे हैं। मनपा कार्यालय से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।